नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। मैं निलंबन का सामना कर सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं कटवा सकता, क्योंकि मैं राजपूत हूं और ये मेरे आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। ये बात कहने वाले मध्य प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल राकेश राणा को बहाल कर दिया गया है। राकेश राणा को दो दिन पहले ही लंबी मूछें और अजीब बाल रखने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया था। मामला गरमाया और लोगों ने सवाल किए तो विभाग बैकफुट पर आ गया और अब राणा को मौलिक तौर पर ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कह दिया गया है। राकेश राणा 2007 से पुलिस सेवा में हैं। कांस्टेबल राकेश राणा वर्तमान में भोपाल में पुलिस के मोटर ट्रांसपोर्ट फूड में कार्यरत हैं और सहकारी धोखाधड़ी एवं लोक सेवा गारंटी के विशेष पुलिस महानिदेशक राजेंद्र मिश्रा के ड्राइवर के रूप में कार्यरत थे। राणा ने कहा कि 2010 से वो ऐसी ही मूछें रख रहे हैं। 14 साल में किसी अधिकारी ने मूछों के डिजाइन को लेकर आपत्ति नहीं जताई थी। राणा बताते हैं कि लोग उनकी मूछों की तारीफ करते हैं। राकेश राणा को उनकी लंबी मूछों की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था। दरअसल मध्य प्रदेश के सहायक पुलिस महानिरीक्षक प्रशांत शर्मा ने इस संबंध पर एक आदेश दो दिन पहले जारी किया था, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें कहा गया था कि राकेश राणा का हुलिया अत्यधिक खराब दिखाई दे रहा है। उन्हें अपना हुलिया ठीक करने और बाल और मूछ उचित ढंग से कटवाने के निर्देश दिए गए, लेकिन उसने आदेश का पालन नहीं किया। ये वर्दी नियमों के तहत अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इस कृत्य का अन्य कर्मचारियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसीलिए राणा को 7 जनवरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। लेकिन सस्पेंशन के 3 दिन बाद ही राकेश राणा को एडीजी अनिल कुमार ने नौकरी ज्वाइन करने के मौलिक आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि एडीजी अनिल कुमार ने मौलिक तौर पर राकेश राणा को ज्वाइन करने के आदेश दिए हैं। अब राणा को स्पेशल डीजी राजेंद्र मिश्रा के पास से हटाकर एमटी पुल में रिजर्व ड्राइवर के तौर पर रख दिया गया है। आपको बता दें कि एमटी पुल प्रबंध शाखा के अंतर्गत आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।